असलेंट्स फाइन स्टूडेंट्स आज हम करेंगे बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर टू टॉपिक नंबर सेवन विच इज कंजुकेट मालिक्यूल सोलेटार्ट मालिक्यूल ज्वाइंट बाई अदर काल्ड कंजुकेटेड मालिक्यूल कह रहा है कि जब एक तरह के मालिक्यूज दूसरे कांड मालिक्यूल के साथ ज्वन होते हैं तो उनको हम कहेंगे ये क्या है कंजुकेट मालिक्यूल्स ठीक है द examples आर glycolipids, glycoproteins, lipoproteins एंड nucleoproteins. अब conjugated मालिक्यूज की examples कौन कौन सी ग्लाइकोलिपर्ट्स ग्लाइकोपोरोन्स लिपोप्रोटीन्स एंड निक्क्स नाम से हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ग्लाइकोलिपर्स uh, या ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये सब कंजुकेट मालिक्यूज है यानी ये है दो डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूज का ठीक है तो अब हम इन चारों को देखते हैं डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हमारे पास ग्लाइकोलिपर्स ग्लाइकोलिपर्स आर कम्पलेक्स लिपर्ट्स कंटेनिंग वन आर मोर सिंपल शुगर्स इन कनैक्शन विद लॉन्ग फैटी एसिड आर अल्कोहल कह रही है ये क्या है सिंपल ही कम्प्लेक्स लिपर्स हैं इनके अंदर क्या होता है ए वन आर मोर सिंपल शुगर्स होती हैं और वो कनेक्ट होती हैं किसके साथ कनेक्ट होती हैं विद लॉन्ग फैटी एसिड आर अल्कोहल ठीक है ग्लाइको लिपर्स आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन अब ये कह रही है जो ग्लाइको लिपर्स है ये प्रेजेंट किधर होते हैं ये हमारे प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में एंड माइलिन चीट ऑफ न फाइबर्स एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ठीक है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म व्हेन प्रोटीन्स आर कवेंटली अटैच टू कार्बोहाइड्रेट्स गोप्रोटीन्स कब बनती हैं कि जब कह रहे हैं जब प्रोटीन्स है वो अटैच हो जाती हैं किसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ ठीक uh, है ग्लाइको आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल कह रहा है कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड द सेल यानी सेल में पाई जाती हैं है दंक्शन एज हारमोन अच्छा ये फंक्शन क्या करती है ये एज हारमोन्स भी रोल प्ले करती हैं ग्लाइको Transport proteins के 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 तौर 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 पे 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 भी, के भी, पे भी काम करती हैं। हैं, कि जो blood group के antigens होते हैं, उनके होता उनके अंदर क्या है? पास स होती है जो के रोल प्ले करती हैं ब्लड ग्रुपिंग में ठीक है नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंजुकेटेड मालिक्यूल्स में लिपो फाउंड बाई कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन विद फॉसिपस ठीक है नाम से जाहिर है कि लिपो फॉर लिपर्ड एंड प्रोटीन्स ठीक है तो ये बन का बनते हैं लिपो प्रोटीस बाई कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स विद द फॉसवो ठीक है फासो प्रोटीन कम्पलेक्सिस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट एंड एनिमल मटीरियल कह रहे जो लिपिड प्रोटीन कम्पलेक्सीज हैं ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं किसमें प्लांट और एनिमल्स में देख कर इन मिल्क में पाए जाते हैं ब्लड सेल न्यूक्लियस एग योक में ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्टा प्लांट्स में पाया जाता है ठीक है लिपो प्रोटीस नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन्स न्यूक्ो कंसिस्ट ऑफ सिंपल बेसिक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ठीक है न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कह रहा है कि जीक्लियो हैं ये कंसिस्ट ऑफ होती हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दे आर फाउंड इन कहाँ पाई जाती हैं ये न्यूक्लियो इन क्रोमोजोम्स एंड राइबोजोम्स ठीक है जो कि रोल प्ले करते हैं राइबोजोम प्रोटीन सेंसिज में ठीक है जी so, स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट होपफुली आपको समझ आ गया होगा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन थैंक यू